नूरपुर और कैराना के उपचुनाव में सपा प्रत्याशियों की जीत की खुशी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में जश्न मनाया। गोरखपुर में भी महानगर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर जश्न मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर डांस किया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां भी दी। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजियां भी की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने इस संदर्भ में आगे कहा, लड़ाई छोटी थी लेकिन जीत बहुत बड़ी है, संदेश इसका बहुत बड़ा है। गोरखपुर से शुरू होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश से और हरियाणा के पास कैराना है, बॉर्डर उसका मिलता है, कैराना तक पूरे प्रदेश की जो जनता है वो माननीय अखिलेश यादव के काम में, माननीय अखिलेश यादव के नाम में और समाजवादी पार्टी में अपना भरोसा रख रही है। और यह समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव के नीतियों की जीत है, समाजवादी पार्टी के कामों की जीत है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भूचाल सा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आ गया है और 2019 का जो चुनाव होगा 8 महीना बाद उसमें 80 की 80 सीटें समाजवादी गठबंधन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से नेस्तनाबूद हो जाएगा। कैराना की जीत गन्ना के किसानों की जीत है, वहाँ के जनता की जीत है और अखिलेश यादव जी के समीकरणों की जीत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांप्रदायिक दिमाग से जाट और मुसलमान को जो अलग करने का काम किया था, माननीय अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी तबस्सुम बेगम जी को RLD का प्रत्याशी बना करके और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे थे उसको तोड़ करके और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जीत दिलाने का काम किया। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि उसकी लोकप्रियता को देखकर अन्य पार्टी छोटे पार्टी घबरा गए हैं और इसलिए एकजुट हो रहे हैं। भाजपा अपनी लोकप्रियता केवल अपने चाहती है। भाजपा की पोजीशन ये है कि क्या भाजपा अपना दल से तालमेल करके चुनाव नहीं लड़ रही, क्या भाजपा सुहेल देव समाजवादी पार्टी से तालमेल करके उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही, रामविलास पासवान की पार्टी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी 44 दलों से मिल करके खुद चुनाव लड़ती है। तो हमको ये आरोप लगाए तो हम तो क्षेत्रीय दल हैं उत्तर प्रदेश में और बहुजन समाज पार्टी ने हमारा सहयोग किया, बहुजन समाज पार्टी को धन्यवाद। नूरपुर और कैराना यह समाजवादी नीतियों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने के अलावा कुछ रह नहीं गया है, अब जनता उसे एक मिनट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं।